हम रास्ता भूल गए। क्या है नीचे काफ़ी गहरा दरिया है। सकते स्लिपरी है मोटरसाइकिल के टायरों में से हवा कम की है ताकि थोड़ी ग्रिप बने और अलैकुम। नीचे वाला रास्ता सेट किया कुछ? बर्फ थी जिधर? बर्फ एक जगह पे और नहीं है, वो साथ है। मोटरसाइकिल स्लिप होगा उधर रोड पे? रोड पे नहीं, वो थोड़ा सा जगह है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बस वो थोड़ी सी जगह खतरनाक थी। गिर गया इसको मैं उठाता हूँ, मेहरबानी। आप किधर से आए हो? हम इस्लामाबाद से। स्वात की तरफ क्यों नहीं गया यार? इधर तो रोडों का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्वात की तरफ भी जाते हैं लेकिन हमने कहा इधर भी जाए ना, स्वात तो सारे ही जाते हैं फिर। हाँ उधर बहुत बंदे आ रहे हैं। हाँ उधर तो जाते हैं लोग सारे, जिधर कोई नहीं जाता उधर भी जाना चाहिए ना। ये इलाका लोगों को दिखाएं सर्दियों में कैसा लगता है, वीडियो बना के फिर और भी लोग आएंगे। जानदेव का नाम होना चाहिए तीर्थ स्थान। सलाम अलैकुम। वो कल वाले पैसों से इनको बच्चों को कुछ दे दें बस। वो दे दिया उसको। ठीक है ठीक है, मेहरबानी। बढ़िया था गली में ना? कैसे? बर्फ था? बर्फ बहुत है, मज़ा आया उधर भी। एक जगह का हमें खतरा है, वही जगह जो कल ऊपर चढ़ते हुए मोटरसाइकिल का टायर उधर ही खड़ा खड़ा घूम रहा था, तो वहाँ पे मसला होगा कि हो सकता है हम ब्रेक लगाएं और ब्रेक लगे ना। अगर रोड पे स्लिप हुए फिर तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर राइट साइड पे खाई में गए तो फिर मसला ही मसला है। ये होते हैं कच्चे रोड, इनके कागज़ों में कच्चे रोड, हमारे कागज़ों में तो अलाई से, जब से अलाई में दाखिल हुए सारा कच्चा ही है। हाँ ये जगह अच्छी है, इधर ज़रा टायर धुल जाएंगे। सलाम अलैकुम। वैसे तो ऐसी जगह पे बहुत दफ़ा स्लिप होना बनता है लेकिन देखते हैं कितनी दफ़ा होते हैं।
टायर स्लिप होते हैं, मैं ब्रेक लगाता हूँ। नीचे जो नज़र आ रहा है ये गंटर है, गंटर गांव, या शायद इससे भी नीचे है गंटर, ये कोई और है। पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे पता नहीं है इन इलाकों का ज़्यादा। कोई बार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मोटरसाइकिल स्लिप हो जिसके 100% चांस हैं, क्योंकि नीचे पत्थर है या कीचड़ है। पत्थर पे भी टायर अगर आप ब्रेक लगा दें तो टायर स्लिप होता जाता है, लुढ़कता जाता है पत्थर, क्योंकि नीचे से सरकते हैं, और कीचड़ में भी यही होता है। ये सारी जगह माशाल्लाह से हमने जाते हुए पैदल ही की थी तकरीबन। नीचे भी बर्फ़ पड़ी है, जो बर्फ़ जिधर जिधर बर्फ़ नहीं पड़ी ना, जैसे सामने वाले पहाड़ों पे, तो वो जगह है जिधर धूप पड़ती है, जिधर धूप पड़ती है उधर बर्फ़ अभी नहीं पड़ती। इंजन जो थोड़ी बहुत होती है वो पिघल जाती है, जिधर धूप नहीं पड़ती उधर उधर बर्फ़ है। गाड़ी गुजर गई है, किसने रास्ता थोड़ा सा सेट कर दिया है। मोटरसाइकिल बंद है, ब्रेकें दोनों लगी हुई हैं, लेकिन टायर नहीं रुक रहे। ये काम, मैंने अगला टायर की ब्रेक लगाई हुई है लेकिन टायर नहीं रुक रहा, ऊपर है, स्लोप जरा कम हो गई है।
वो जगह है जहाँ हमने कल जाते हुए मोटरसाइकिल के टायरों के साथ रस्सी बांधी थी। मतलब ये हुआ कि वो खतरनाक जगह थी, तकरीबन हमने वो क्रॉस कर लिया, ये ज़्यादा खतरनाक जगह थी। अस्सलाम वालेकुम। स्लोप अगर गंदी ना हो तो फिर काम चल जाता है। जैसे वो पानी है उसमें स्लोप इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उम्मीद है कि वहाँ से निकल जाएंगे। उतरना है या ऐसे ही जाए? ट्राई करते हैं ऐसे ही जाने की। गाड़ी की और ऊपर वाली गाड़ी की मेहरबानी है कि इन्होंने बर्फ थोड़ी सी हटा दी, वरना नहीं आना था नीचे में, फिर ज़्यादा स्पीड में आना पड़ता और फिर ब्रेक पता नहीं किधर लगती। अस्सलाम वालेकुम। बाय बाय कर दो। ये रास्ता उससे ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे वापस जाने की बजाय हम शमशीर की तरफ मुड़ गए, रास्ते में से एक राइट साइड पर नीचे रास्ता उतरता था शमशीर की तरफ, वहाँ पे एक आबशार है वो देखने के लिए जा रहे हैं। एक अच्छा रास्ता है। आप देख रहे हैं पता नहीं किधर जा रहा है ये।
कहते हैं कि ऑफ रोडिंग। अच्छा हम रास्ता भूल गए, ठीक है। रास्ता बंद हो गया है, वो ऊपर वाला दरख्त कट गया है ना। अच्छा अच्छा वो रोड बंद है। सही है, अभी इधर रात गुजार लो ना इस मकान में, चलो उसमें उतर जाओ। बस ये जो साथ में आबशार है ना नजदीक वाली छोटी, हाँ, इस तक जाएंगे। इसके साथ क्या करेगा, आगे इसका रास्ता तो नहीं है। उधर तक तो है ना, उधर से पैदल देख के वापस आ जाएंगे। सही है सही है, ज्यादा का टाइम नहीं है। हाँ बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगाते। तो मैं पानी चला गया। आबशार जो थी वो इधर ऊपर थी, तो वहाँ तक तो हम नहीं जा सके, काफ़ी टाइम हो गया, मगरब का टाइम होने वाला है। और वैसे भी वो आबशार जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। दिल तो करता है ये मकान खाली पड़ा है, रात इसमें गुजारें, ये मकान खाली पड़ा हुआ है, लेकिन खाएंगे क्या। और बिस्तर तो हैं, चलो बस जा रहे हैं। अल्लाह करे थोड़ी थोड़ी रोशनी में रास्ता, कच्चा वाला रास्ता जो है वो क्रॉस हो गया, जो इनकी नज़रों में कच्चा होता है। हमारे हिसाब से ये सारे ही कच्चे हैं। हो गई है, नीचे गहरी खाई है, सैकड़ों फुट गहरी, और लेफ्ट साइड पे पहाड़ है, राइट साइड पे खाई है, और ये हमारा रास्ता है। ये विराम रास्ता है वही वाला, राइट साइड पे हमारे दरिया है, नीचे काफ़ी गहरा दरिया है, यहाँ से 200 फुट नीचे ही होगा, और लेफ्ट साइड पे पहाड़ है, और सेंटर में ये सड़क है, और यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है, रास्ते चल गया था पिछला नहीं।
बना सकते हैं तो मत करें कुछ। दिन में यहाँ से गुजरते हुए ज़रा डर लगता है क्योंकि नीचे खाई नज़र आ रही होती है, रात को नज़र नहीं आती तो डर नहीं लगता, वरना गहराई में देखें तो फिर डर लगता है, इसलिए रात को ज़रा देखो और दिखा सकते हैं। कर दिया है अलाई से वापस नीचे की तरफ।